बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स अभी अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उत्तराखंड एसटीएफ को एक बहुत बड़ी जो है रकम हाथ लगी है। पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पे नए हैं तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि इसमें लगातार हम आपको वीडियो बीपीडीओ से भर्ती से रिलेटेड जो है रेगुलर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर जो है एसटीएफ के हाथों बड़ी जो है कामयाबी हाथ लगी हुई है कि एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 10 लाख रुपए और बरामद कर लिए। इससे पहले आपको पता है कि जिस दिन एसटीएफ ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था, उसी दिन 37 लाख ऑलमोस्ट मिले थे। उसके बाद 36 लाख जो है हालांकि ये प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये मालूम हुआ है कि जिसने पेपर लीक किया था प्रिंटिंग प्रेस से, अभियुक्त को दिए गए थे 36 लाख और 37 लाख जो है उसी दिन प्राप्त हुए थे। लगभग 60 लाख के आसपास जो है उनके पास पैसे पहुंचाए गए थे। ठीक है, तो अभी आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि अभियुक्त के पास 10 लाख की और जो है एसटीएफ ने जो है बरामद कर ली है। ये कौन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी रिमांड में लिए गए अभियुक्त जयजीत ने से महत्वपूर्ण साक्ष्य परीक्षा पेपर से संबंधित बरामद हुए। वो साक्ष्य कौन कौन से आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि कल ही जो दो कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि एक उसमें से ऑलरेडी सेलेक्टेड था और एक तो फेल हो गया था, उसमें उन्होंने गूगल सर्च के माध्यम से आंसर खोजने की कोशिश की थी, जिसका साक्ष्य उनके डिवाइस पर मिला। तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है बहुत और आगे राज खोलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, उसके अलावा अवैध रूप से पेपर डीलिंग में अर्जित 10 लाख रुपए और बरामद हुए हैं। अब टोटल राशि 47.10 लाख हो गई है, क्योंकि 37 लाख जो है उसी दिन बरामद हुए थे जिस दिन इन लोग पकड़े गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं और आगे की जो जांच चली उसमें गढ़वाल के बाद कुमाऊं में पहुंची जांच के आंच। अभियुक्त मनोज जोशी को पुलिस कस्टडी रिमांड में घर से मिले साक्ष्य, रामनगर रिजॉर्ट में पेपर लीक के तार जुड़े हैं, रजिस्टर आज भी वहां पर बरामद हुए हैं जो कि कब्जे में ले लिए गए हैं। और एसटीएफ उत्तराखंड की सर्विलांस टीम ने खंगाला लाखों नंबर कुमाऊं में परीक्षा लीक मामले के लेकर, यहां पर काफी लोग जो है रडार में है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम खुलासे यहां पर बैक टू बैक हो रहे हैं और रेगुलर इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, लेकिन बड़ी मछली अभी भी दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।